उन दिनों की बात है जब हंसते खेलते परिवार हुआ करते थे और उनका बिछड़ना एक फैशन सा हो गया था। लेकिन इनके बिछड़ने के तरीके बड़े निराले हुआ करते थे। मेले में बिछड़ना एक आम बात सी हो गई थी। कुछ परिवार तो रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भी बिछड़ा करते थे। माओ में तो जैसे बच्चे खोने का कंपटीशन चल रहा था। बदले की आग में कुछ बच्चों को विलन उठा ले जाते थे और कुछ को मजबूर बाप। लेकिन हमारे यहां हर दुख भरी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग जरूर होती है। इसीलिए हर बिछड़ा हुआ परिवार कई सालों बाद एक बार फिर मिलता है और ऐसा ही एक परिवार इनका है। यादां अपनियां दियां दिल नूं खिचदी मालका अब बेटा नाश्ता कर लिया? पा, अमन भी अपनी फैमिली के साथ इंडिया जा रहा है। हम लोग इंडिया कब जाएंगे? जाएंगे बेटा। पक्का? पक्का। I love you, पा। डेट तो। लेकिन मम्मी को मत बताना। वरना आपको मार पड़ेगी ना। Planning a trip to India again, eh? देखा, हमेशा तुम लोग मुझे मरवाते हो। चलो, जाओ। अबे नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगा। जा, पेंटिंग कर। ओए, कान खोल की सुन ले। We are definitely not going to India. But why? Because I've heard crazy stories about India. देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इंडिया जाकर हमारा कल्चर सीखें। Culture? Aha, culture. What culture? I'm fed up of this Indian connection. Indian neighbors सामान ले जाते और वापस नहीं करते। But that's how Indians are. They stick their nose into everybody's business. And our children learning Punjabi slangs like teri bandi, teri madi. Oye unka patte, meri game wapas kar. Teri bandi, ditto. Oh Karamveer, bete, gaali nahi nikalte. Sorry pa, ditto. Theek hai, go. Yes. Tumne inhe bigaar diya hai. Mary, you won't understand. क्योंकि तुम हमेशा अपने पापा के साथ रही हो। Yeah, I'm the one who doesn't understand. Yeah. Farm, don't forget the groceries. Yes, darling. You got the list? Yeah, 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 yeah. I got the list. Good. मेरे दूध की थे यार। नाश्ता भी नहीं कर रहे थे दी। जा देखो क्या है, 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 क्या है। हाय रब्बा, मैं कितने फंस गया। ओ देवेंद्र की हाल है? ओ देव बोल यार, देव कितनी हाँ हाँ देव 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 हाँ माँ। परम पुत्र, घर के लिए कुछ सामान चाहिए सी। हाँ दस। सब तो पहला पंजाबी अखबार भूलना नहीं और दो पैकेट अगरबत्ती। हाँ जी। ग्रीन टी का डिब्बा, मेरी वास्ते कॉफी। हाँ जी। बच्चियों वास्ते बिस्किट। हाँ जी। और हाँ थोड़ा चेक। Nobody moves. Hand me the cash. Take it easy, man. He's trying to earn an honest living. You hand me your wallet. Cut you on the store. Paramputar, तुम ऐसी picture देख रहे हो? नहीं मैं picture नहीं देख रहा। You're watching a film, eh? Who are you watching a film with? What the hell is happening here? I told you to. I'm not watching a film, Mary. Hey, what the hell is happening here? What's going on? I'll try and explain. I don't need an explanation, Parm. I told you to hand me all your cash. Calm down, yaar. You're asking me to calm down. I will not calm down. No, I'm not telling you to calm down, darling. I'm gonna blow your brains out. I'm not trying to lie to you, Mary. I'm just. If you don't listen to me, I will shoot you. Ruk jao, yaar, ek minute. I'm
talking to my wife and my mother. To hell with your mother and wife! बचपन में अगर इनकी माओ ने इनके कान खींचे होते ना तो आज ये हरकत नहीं करते। माँ। हाँ बेटा। ले तेरा न्यूज़पेपर। तू आ गया? थैंक यू बेटा। मेरी तेरी मेम का मूड बड़ा खराब है। अच्छा। मैंने पंजाबी में 2-3 चुटकुले सुनाए। वी नीड टू टॉक। और मेरी उंगली। नाउ तू इधर आ बेटा। सत्रीकाल जी। ये मेरा बेटा है परमवीर। बैठिए बैठिए बैठिए। तो बेटा ये प्रीतो है और ये इनका घर वाला प्रीतम। अभी अभी आए हैं पंजाब से। इन्हें अंग्रेजी में वो अर्जी लिखवानी है। आप लिख दो बेटा। ठीक है माँ। और ये नीरू है। इसने तेरी तरह गोरे से शादी की है। इन्हें लोन चाहिए था। मैंने कहा कि मेरा बेटा बैंक में काम करता है, लोन दिलवा देगा। कहाँ बेचारे ये परेशान होते फिरेंगे। तो बेटा आप इन्हें लोन दिलवा देना। Excuse me. Who's that man? क्यों जी? I met him in Benares. Benares? Yes, in Benares. Are you sure? I'm sure, in Benares. He's a goddamn fraud. ये साला चोर है। जी मैं बताती हूँ। 6 महीने पहले बॉब जी बनारस गए थे, वो भी अकेले। और वहाँ इस बंदे और इसके पुत्र ने मोक्ष दिलाने के बहाने गंगा में ऐसी डुबकी लगवाई कि पूछो मत। चोर! Get back here! चोर! साला! कि कच्चे में ही लौटना पड़ा इनको। तो वो आज तक नहीं सुधरे। इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तेरे पिता को छोड़कर कनाडा अपने भाइयों के पास आने का फैसला लिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम दोनों को लेकर यहाँ आती, वो चुपचाप एक रात तेरे छोटे भाई को लेकर गायब हो गए। और आज तेरे छोटे भाई को बिल्कुल अपने ही जैसा बना दिया है। नहीं माँ, जो आपने किया था ठीक किया था। नहीं, ठीक नहीं किया। कितने सालों से तेरे छोटे भाई को माँ का प्यार नहीं मिला। अगर वो हमारे पास होता तो बिगड़ता नहीं। अपने छोटे बेटे से मिलने का पता नहीं कैसा होगा। पता, मुझे ले चलो उनके पास, ले चलो मुझे। घबरा मत माँ, मैं उन्हें लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा माँ। का मंजन घिसे है पिया। पल पल ना माने टिंको जिया, हाँ टिंको जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महीना
जब देखे तुझे टिंकू जिया इसक का इंजन जलाए जिया पल पल ना माने टिंकू जिया हाँ टिंकू जिया इसक का मंजन किसे है पिया अरे वो चिकनी अरे वो आइटम अरे वो ब्यूटीफुल मैं भी हूँ हैंडसम टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना जोर जोर से गाए गाना जोर जोर से गाए गाना ऐसी विलन जैसी बातें न कर बन जा हीरो धड़का दे जिया जो बन पे डाला है ताला पिया इश्क का मंजन घिसे है पिया आइए जी मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी है जो आपके पास बेस्ट है वो दिखाइए कमाल के जेवर दिखा दूंगा साहब जी और डिस्काउंट भी दूंगा आपको क्या कहा डिस्काउंट डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है हमें अच्छी चीज दिखाओ कोई जी 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 ऐसे ही है यार ये भी सेठ जी हां ये ठीक है सेठ जी मैं लोकेश ओए लोकेश आप भी फैक्ट्री का पुराना वॉचमैन है हाँ सेठ जी आपने मेरी बहन की शादी में 6 लाख रुपए दिए थे ओ लोकेश जी, कैसा जी, बच्चे कैसा है अच्छा हूँ सेठ कैसी तेरी बहन कैसी है अच्छी है अब तो बच्चे बच्चे हो गए होंगे दो बच्चे हैं सेठ जी अच्छा मेरा प्यार देना सबको है चलो खुश रहो बच्चे खुश रहो साहब जी बहुत बड़ी बात है जी बहुत बड़ी बात है आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है हम भी चल रहे हैं खुशी हुई जी आप हमारी दुकान में आए ये पैक कर दो जी 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 पैक कर जी सर दादाजी मुझे सुसु आया है Oh my God, बॉटल में बॉटल तू पिए जा रहा है बच्चे शिशु नहीं आएगा तो क्या आएगा जा इसे शिशु करो अकेला चल भाव शिशु एक काम करो है मुझे कोई नफीस तरीन चीज दिखाओ वाइफ के लिए वाइफ जैसी समझो अच्छा क्या उम्र है 25 आप कमाल है, कमाल है। रंग कैसा है पेंटिंग बनानी है उसकी साले जल्दी से हार दिखा 8.5 लाख यार ये ठीक है छुपा दे अंदर अंदर छुपा दे हो गया हल्का गुड 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 हेलो हाँ सरवानी राम रोचा ऑफिस में हूँ बस निकल रहा हूँ कैसे कैसे झूठ बोल रहा है कहता ऑफिस में हूँ और कर रहा है शॉपिंग वाइफ को सरप्राइज देना चाहता है मेरे सरप्राइज देते हैं बाप प्राइस पे करता है साहब जी कमाते किसके लिए औलाद मैं बिल पे करके आता हूँ आप जाइए जी आप ही की दुकान है साहब जी है चिंता क्या है बहादुर दादाजी लाए पैसे तंग ना करनो लाला सर ये लीजिए अच्छा जी तो बिल कितना हुआ जी दादा जी 15 लाख रुपए यू टेक क्रेडिट कार्ड हाँ लेते हैं जी अमेरिकन एक्सप्रेस भी लेते हैं जी अरे मेरा वॉलेट दादाजी मैंने आपकी गाड़ी में बटुआ छुपा दिया था क्या है बच्चे जी बच्चे he's a pain in my ass हैं आस में क्या है ये मेरी कुछ नहीं यार होता है जी मैं गाड़ी से लेकर आता ले आई ले आई ले आई इसका ख्याल रखना ना जी ना जी आप जाइए कोई बात नहीं है दादा को हैरान करते हो हैं ऐसा नहीं करना चाहिए छोरे हैं ओ देर हो गई बेटा
दादाजी नहीं आए? वो तो मेरे दादाजी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। उन्होंने कहा 2000 रुपए रख और डायलॉग बोल, मैंने बोल दिया। मेरे को बना के मेरे को ये मेरे कैसे भरोसा किया? ये लास से पी या बोतल से पी, पर पी गुजोदर खुशी से, जी गुजोदर शीशे से पी या बहाने से पी, पर पी मेरे गुजोदर। ये मैं ना उसको दूंगा। है कोई? है कौन है? है कोई? कोई आइटम है? आइटम है? आइटम नहीं। हाँ ओए, अरे लड़कियों को इतना कीमती तोहफा नहीं देते गजोदरू। मैं तो अभी भी फूल से काम चलाता हूँ, फूल से, फूल से। ना तू बहुत बड़ा कमीना है। ये ले, चीयर्स, चीयर्स। लड़िया लड़िया ओखिया लड़िया लड़िया रे बीच बाजार, फिल्में आए किया लड़िया लड़िया रे बीच बाजार। ओ दिल पे कैसी चोरा चोरी के हटे ना नजर मोरी, सुंद करिया गोरी गोरी करके हमरे दिल के चोरी। लड़िया ओखिया लड़िया लड़िया बीच बाजार, फिल्में आए किया लड़िया आइए। मैडम नमस्ते। भैया कैसे हो आप? बढ़िया। ये बैंगन कैसे दिए? कितने चाहिए? 1 किलो दे दो और जी मैडम 1.5 किलो टमाटर दे दीजिए। जी मैडम। अच्छा आप मुझे 2 बॉटल पानी दे दीजिए। कितने पैसे हुए भैया जी? कितने पैसे हुए? क्या मैडम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, घर की बात है। बड़े अजीब लोग हैं यहाँ के, कोई मुझसे पैसे क्यों नहीं लेता? क्या करें, बनारस का दिल ही कुछ ऐसा है। ये रखो साला। मैडम आपका पानी। एक्सक्यूज मी, कैन आई गिव यू लिफ्ट? एक्सक्यूज मी, कैन आई लिफ्ट? नहीं, एक्सक्यूज मी, Can I give you a lift? Excuse me. Can I lift you? What nonsense? मेरा मतलब वो क्या कि लड़कियों को देखकर, लड़के को नहीं आपको देखकर हमारी अंग्रेजी थोड़ी सी गुलाबी हो जाती है। How cheap? बदतमीज। Cheap? न्यू मार्केट से कपड़ा खरीदे की बोलती है, स्टैंडर्ड नहीं समझती हमारा यार। ये एक्सचेंज कब खुलेगी? पता नहीं जी, 3-4 दिन से बंद है। ओ बलजीता, तू पंजाब से कब आया यार? इतने साल हो गए तुझे देखे। लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आई एम परमवीर सिंह टिलों फ्रॉम कनाडा। कमाल है यार आपकी शक्ल, मेरे दोस्त बलबीर के भाई बलजीत से बहुत मिलती जुलती है। धोखा खा गया, माफ करना। हाँ हाँ ठीक है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। आप ये दुकान को घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? एयरपोर्ट पर मैं डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना भूल गया था और ये भी। डॉलर वॉलर जोर से मत बोलिए, जमाना खराब है, कोई लूट लेगा।
आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए, बाद में लौटा देना। That's not right. जैसे आपकी मर्जी। देखिए आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं कुछ डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सोचने दीजिए। हाँ, मेरा एक मित्र है। एक मिनट। हेलो, अरे भाई लोकेश सर, क्या हाल है? सब कुशल मंगल? दोस्त, मेरा एक मित्र है कनाडा से, उसे डॉलर एक्सचेंज करवाने। अरे पाउंड नहीं, डॉलर। कैनेडियन डॉलर्स? हाँ, कैनेडियन डॉलर। एक सेकेंड, कितने के चाहिए? 2000 के चाहिए। अच्छा भाई, 2000 के चाहिए, हो जाएगा? ठीक है, तो निकाल के रख, हम आ रहे हैं। आपका काम हो गया जी। और आपकी कमीशन? बात करते हैं, आप तो हमारे दोस्त बलजीत जैसे हैं, अब आपसे क्या कमीशन? That's very nice of you. वो क्या है कि बनारस का दिल ही कुछ ऐसा है, ये लीजिए, बनारस का पान खाइए। No, thank you. तो बनारा भी कमाल होते हो, पान खाया नहीं साला, पहले फ्री में थैंक यू बोल दिया। हम तो पान छीन कर भी थैंक यू नहीं बोलते। चलिए, तो बताइए बनारस कैसे आना हुआ? 30 साल पहले मेरे फादर और ब्रदर हमसे बिछड़ गए थे। पता चला कि वो बनारस में हैं, मैं उन्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ? लगता है हिंदी फिल्में बहुत देखते हो। आइए, पहुँच गए। और फिर लोके सब ठीक ठाक? बस गजोदर भैया, कृपा है आपकी। बैठिए। थैंक यू। डॉलर? ओ या, ये लीजिए, गिन लीजिए। ट्रस्ट इज गार्ड जी, ये ले, फटाफट निकाल। ये लो सर। अबे ये क्या कर रहा है, ठीक से बांध कर दे। अच्छा बड़े भैया, ये लो। कमाल करता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे। Trust is God. That's right. Trust is God. Thank you very much. अब जाके सही जगह पे thank you बोला ना? जी। देखा? तो मैं निकलता हूँ। राम राम जी। छोड़ दूँ कहीं? No, I'll manage. ठीक है, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते रहना। और कभी कोई problem हुई, तो गजोधर को याद कर लेना। Okay. Interesting character. लीला गजोधर भैया। तुम फिर से? हाँ, मुझे आपसे एक और मदद चाहिए थी। अच्छा, अब इंसान ही इंसान के काम आता है, बताओ। आपने इन्हें कहीं देखा है? अबे ये तो धर्मेंद्र है यार। वैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका नाम धर्म सिंह ढिल्लों है। ये फोटो कहाँ से मिली? मेरी माँ ने दी मुझे। तुम्हारी माँ के पास भी है? क्या कहा आपने? माँ कमीना इंसान था ये। हाँ, पिछले साल ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी इसने, रखो इसे। लेकिन लेकिन भाई साहब, इनका एक बेटा भी है। अरे इसके तो कितने बेटे हैं, मैं चलता हूँ। बॉब जी ने कहा था कि उसे 6 महीने पहले ठगा था। Mary was right. Excuse me, आप इस आदमी को जानते हैं? ये तो धर्म सिंह है यार। कहाँ मिलेगा ये? ये बियर बार में। राम राम भैया। भाई साहब, इन्हें देखा है? टूरिस्ट?
Yes, I am. Like it? I'm loving it. माफ कसम, बवाल लग रही हो, बवाल। बवाल? पटाखा। पटाखा? पटाखा, बवाल, बवाल, पटाखा, fireworks, fireworks, तुम पटाखा, तुम बवाल, मैं बेहाल, हाय, हाय, हाय मेरी मडोना, ला यार, बवाल। क्या बात है सरदार जी, बड़े बेतकल्लुफ हो रहे हो। मैं परमवीर आपका बेटा। अरे देख रहे हो ये सरदार जी मेरे बेटे हैं। क्या बात है, वैसे किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कदरदान, गली कूचे से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। ये आपकी फोटो है, माँ ने दी थी मुझे। How handsome. जब मैं जवान था ना, हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोती थी। ये लो, संभाल कर रखना इसे। इन्हें तो पहचानते होंगे आप, ये मेरी माँ है। बड़ा ड्रामेबाज है तू सरदार, ये तेरी माँ है, तू मेरा बेटा है, मैं इसका पति हूं। क्या कहानी बनाई है तूने यार। मेरा एक ही बेटा है सरदार जी, और उसका नाम है गजोधर। इस कहानी के पीछे अगर आपकी कोई हेरा फेरी है तो वह हेरा फेरी यहां नहीं चलेगी, क्योंकि हेरा फेरी में हम सबके बाप हैं। आ बैग शेखमार, हाँ आजा, ये ले ये ले। अरे यार सरदार ने तो मेरा सारा नशा ही उतार दिया, एक बड़ा बना के दे मुझे। ओ धर्म, धर्म सिंह, ओ धर्म, क्या हुआ गुजोधर? वो जौहरी है ना जिसे हमने जेवर चुराए थे, मर गया? अबे नहीं यार, गुंडे लेके हमें मारने आ रहे हैं। ओ तेरी पहलू, अबे ये कहां से आ गया? तू कैसे जानता है इसे? अबे ये वही एना रहा है जिसे मैं डॉलर लेकर आया था। गुजोधर, हाय। हेलो, मेरे पास और डॉलर्स हैं। अरे मारे पैसे लेके भागे, अरे मारवाड़ी बदनाम हुआ, डार्लिंग तेरे लिए। हाँ ये रहे, आज सारा हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ मैं। हम तुम्हारी ज्योमेट्री अलजेब्रा भी ठीक कर देंगे। मैं मारवाड़ी हूँ, मारदाड़ भी जानू, मरने मारने आया हूँ मैं। ऐसी इच्छा है तो फिर हमारा बेटा गुजोधर अकेला ही तुम सबकी हू करेगा। हू करने आ जाओ। अबे पागल हो गए क्या? देख लिया इतने सारे लोग हैं। पागल? अरे मैं पी के आया तेरे साथ यार। चुप कर यार। सेठ जी, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अब आप बैट और हॉकी स्टिक तो ले ही आए, मैं बॉल का इंतजाम कर देता हूँ, खेल के मामला सुलझा लेते। ओए तुझे मजाक चल रही है? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? ओए इलाका कुत्तों का होता है भैंड के टके, शेर का नहीं। Hold it, gentlemen! Hold me! That's good. Now can I have a minute of your time, eh? इंसान गलतियों का पुतला होता है, अगर इन पुतलों से गलती हो गई तो इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सही सही कह रहे हैं, सही। आपकी तारीफ? मैं अपनी खुद की तारीफ कैसे कर सकता हूँ? अबे तेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है? ओहो, आई एम परमवीर सिंह टिलों फ्रॉम कनाडा, और ये मेरे पिताजी हैं, और ये मेरा छोटा भाई। अभी धर्म तो पंजाब कब गया था यार? बच्चों पे मैं तो कहीं भी घूमता रहता हूँ। ये बाप बेटों का नया हथकंडा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, मुझे बनाया ना। एक एक नेकलेस दिया हूं अपने हाथों से इनको, मारो सालों को। मैं कह रहा हूं ना कि मैं इसका भाई और उनका बेटा।
मजाक समझ रहे हो क्या तुम लोग? Bloody idiots. रब दिसा, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं ऐसी धुलाई करूंगा कि ना कोई दवा काम आएगी और ना ही दुआ. सोच लो. लगता है दारू चढ़ गई है पानी को. उतारो. मार खाने के नहीं, डबल खर्चा करा दिया सालों. कहा थे भैया? देखा, मैंने कहा था ना तुम किसी ना किसी के भाई तो लगते हो, लेकिन साला तुम बलवीर के नहीं, तुम तो हमारे भाई लगते हो. इसलिए तूने बहुत प्यार से स्वागत किया ना अपने भाई का. अब इंसान तो गलतियों का पुतला होता है. इस पुतले से भी गलती हो गई. अच्छा, बड़ा ड्रामेबाज है तू. ना भैया, अब जैसा भी हूं तुम्हारा भाई हूँ. देखा धर्म, हम दोनों भाई भाई लगते हैं ना. आज से ये हमारे साथ काम करेगा. बिल्कुल नहीं, कोई हमारे साथ काम नहीं करेगा. मैं एक मिनट में. अबे धर्म, तेरे दिमाग का एकदम हार्ट फेल हो गया क्या?
अबे तेरी शक्ल उसके बाप से मिलती है, फायदा उठा लेते हैं। कुजोधर मुझे तो लगता है वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। अबे देख वो सोचता है कि हम उसके भाई और बाप है। नहीं है तो बन जाते हैं यार, लोग तो गधे को भी मुश्किल में बाप बना लेते हैं। तू उसे बेटा बना ले, फायदा ही फायदा है। हमारा दिमाग और उसकी ताकत और काम का डिबिडेशन भी हो जाएगा और साला दुनिया लूट लेंगे। दुनिया लूट लेंगे, देखने एक दिन हम दोनों को लूट कर निकल जाएगा वो। मैं नहीं उसे साथ लेने वाला साला। भैया तुम टेंशन मत लेना, वो क्या कि धर्म का मूड थोड़ा ऑफ है, लेकिन कल मान जाएगा। तुम मिलते रहना, ठीक है? ठीक है। साला बदमाश है, लेकिन मिल तो दोनों गए हैं। परम कैसा है तू? माँ मैं ठीक हूँ माँ। पुत्र क्या वो मिले? हाँ माँ मिले, लेकिन लेकिन क्या? बहुत बिगड़े हुए हैं, उन्होंने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि छोटे को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तेरा भाई कैसा है? अच्छा है, लेकिन बिल्कुल पापा की तरह है। देख परम उनकी संगत में ना बिगड़ मत जाना। कैसे बिगड़ूंगा माँ, मैं तेरा बेटा हूँ ना। ना बेचा जाएगा हमसे, ना बेचा जाएगा पुरखों का ये मकान हमसे, ना बेचा जाएगा। वकील साहब इनसे कहिए इस शहर में 10 बंगले मेरे और हैं, जो इनको पसंद आए वो ले ले, पैसा भी इनके हिसाब से ले लूंगा मैं, ये बंगला ना बेचूंगा। और लाल जी अब तो कागजात भी आपके मुताबिक तैयार किए गए, आप ना नहीं कर सकते, हमको भी तो दोनों पार्टियां देखनी पड़ेंगी। हमारे बाप की शादी हुई थी वकील बाबू, एक एक ईंट पुकार पुकार के कह रही है भंवरलाल मुझे मत भेजो। एक्टिंग मत कर, पार्टी भाग जाएगी। अब जो अब तो बयान भी आपके मुताबिक तैयार हुआ है जी, पूरे 30 लाख। क्यों जी? हाँ जी हाँ जी, बयानो लाए जी, हाँ जी आलो बयानो लीजिए। आज मंगलवार से, मंगलवार को ना मैं लक्ष्मी को छू ना माया को, ठीक है? मैं छू लूंगा आपको, दे दो। हाँ जी ये लो जी, चलो जी। आपको नए घर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भले भूले गृह प्रवेश। अच्छा भगवान सस्ते में सौदो हो गयो, सेठ जो है बहुत होशियार समझ रहा था अपने आप को। अरे सर ये तो स्कूल है। फाइल बताओ, फाइल बताओ, फाइल बताओ, क्वेश्चन पेपर। चूना लगा के सर पकड़ो तुमने। अबे तुझे कितनी बारी बोला खटारा गाड़ी मत आए कर। अबे क्या छोड़, नहीं छूट रहा। तेरे धर्म को मेरे टाइमिंग की बिल्कुल कदर नहीं है। नहीं नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, हम तो आपके ऐसा तरह दबे हुए, मांगे क्या मांगते हैं? पार्टनरशिप। मंजूर है, मंजूर है। पार्टनरशिप? किस बात की पार्टनरशिप, क्या मंजूर है? अरे अच्छा खासा धंधा चल रहा है हमारा, ये जीप लेके आएगा तो पार्टनरशिप। अच्छा वहाँ बाद में किसने तुम लोगों की जान बचाई और आज यहाँ दोबारा, लगता है मेरा तो काम ही बन गया आप लोगों की जान बचाना। सही कह रहा है ये। पूछ 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 अपने धर्म से, इसको पार्टनरशिप से इनकार क्यों है? चल हाथ दे अपना, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। चलो आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। तुम लोगों को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे धर्म चल गुस्सा छोड़ अपना यार, हम तीनों की जोड़ी जम जाएगी। खोली जो बोतल तूने यारा। सुन बे अपना टीन टप्पर लेके दफा हो जाए यहाँ से। ओए दिल पे बिजली कौंधी। अरे कौंधी रे भैया, कौंधी और ऐसी कौंधी कि कौंधी कौंधी। क्यों तू खाली कराएगा? खाली तो ये करवाएगा। दुनिया हमारे पीछे है और हम ये है हमारे बड़े भैया।
इतना मारेंगे कि हाथ में पहन लोगे चूड़ियां और नाम के आगे लगा लोगे मिसेज। तुझ पे गाली गाली। तो शुरू हो जा भैया। अम्मा तेरी भैंस को ले जाएंगे पटना और इसी भैंस के साथ होगी घटना। मशीन रिपेयर करो। यस अरे ये क्या कर रहा है तू? कान की महल निकाल रहा है? ये ले छेनी ले, मार रख के हटा रहा है इसकी। और ये क्या यू टर्न मार दिया तूने? क्यों? मैंने राइट साइड पेंट ही नहीं की है। मेरे गज्जू, मैं तो तुझे जब तू छोटा सा था बबुआ तब से प्यार करता हूँ। तुझसे नहीं यार, उससे। क्या बात है, क्या नाम? क्या गजोधर? गजोधर नाम है उसका? नहीं साहिबा। साहिबा बच्चे नाम है जैसा, वैसी ही खूबसूरत भी है। ये यहाँ कर क्या रही है? देख नहीं रहा, फोटो खींच रही है। बनारस पे किताब लिखी जा रही है इसलिए। मेरे गुजोदर की फोटो ली उसने? तू तंग मत कर यार, जा ना यहाँ। अरे जाता हूँ यार। और इसके बारे में क्या जानता है? सरदारनी है। ओए तुझे कैसे पता? अरे सरदारनियों को तो मैं मिलो दूर से पहचान लेता हूँ। अच्छा
Seems like a nice girl. I like her. ओए, like की बात ही मत करना. You're getting me wrong, brother. मेरा मतलब है कि अच्छी लड़की है. पर प्रॉब्लम क्या है? अगर तू उसे पसंद करता है, then what's the problem? वो क्या है कि मैं उसे अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बता पा रहा. ओह, गजोधर, मुझसे तेरा हाल देखा नहीं जाता बच्ची. मुझे मालूम है लड़कियों से कैसे बात करते हैं. मैं बात करता हूँ और जमा देता हूँ. ओह, I love you यार, धारा, I love you. चल चल चल, जा जा, भाग 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 भाग. जी मैडम जी. जी. आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है. जी कहिए. अरे ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है उसे? वो जो गॉगल्स पहन के स्टाइल मार रहा है, वो कहता है बहुत प्यार करता है आपसे. मैंने बहुत समझाया उसे कि ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, लाइन मत मार इस पर. लेकिन कुछ कह देना चाहता हूँ मैं आपसे, संकोच हो रहा है. हिम्मत करके कह देता हूँ. वो चोर है, ठग है, उठाई गिरा है, लुटेरा है, वांटेड है, एक नंबर का थप्पड़ मार रहा है. पानी तो झूठ की तरह बोलता है. मेरा मतलब है झूठ तो पानी की तरह बोलता है. हजार बुराई हैं उसमें, लेकिन आपसे प्यार बहुत करता है. अब मैंने तो उसके दिल की बात आपको कह दी. अब आपके दिल में क्या है, आप खुद अपनी जबान से इजहार इश्क कर दीजिएगा. लेकिन इस सिचुएशन से मेरा निकल जाना बेहतर होगा. मैडम, धर्म ने तो आपको हमारी फीलिंग्स के बारे में बता ही दिया होगा. तो चोर हो, ठग हो, हाँ ठग, और क्या क्या काम करता हूं मेरे सत्यकाम जी. गजोधर मेरे यार, तूने पी रखी है बच्चे. बाई चांस तेरा निशाना चूक गया, मेरे सर का ढक्कन उड़ जाएगा. और मेरे दिल का ढक्कन उड़ाते वक्त तुझे कुछ नहीं हुआ, अपने सर के ढक्कन की पड़ी है साले. क्या कर रहे तू यार, मैं मर गया तो रोएगा. हिल मत साले, नहीं तो थोपड़ा उड़ा दूंगा. गजोधरु, लगता है मेरे बताए हुए गोल्डन असूल भूल गया है तू. मैंने कहा था ऐश कर, इश्क मत करना. तूने कभी किसी शादीशुदा आदमी को खुश देखा है? भाई मैं खुश हूं. ओ सरदारा, तू खाम का बीच में घुस जाता है यार. लड़की का दिल जीतना है, व्हाट्स द प्रॉब्लम है? हो जाएगा. अरे मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी. यू गॉट अ पॉइंट है, हम तो की करेगा. कूद जाओगा, फट जाओगा, मर जाओगा. दुनिया वाला सुसाइड. वो दिन गए जब टैंकी पर चढ़ने से बात बन जाती थी. तो सही कह रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता. एक मिनट रुक, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ. सच्चे दिल से बात करने से जिंदगी भर की गलतियां माफ हो जाती हैं. बस बोलने की हिम्मत चाहिए. क्यों धर्म, सही कह रहा हूं ना? गजोधर सोच ले, जितने ज्यादा रिश्ते बनाएगा उनके टूटने का उतना ही दुख होगा. आपने तो कोई रिश्ता नहीं तोड़ा. हाँ? तो आपको उसके दर्द का एहसास कैसे हो सकता है? ये एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए. मार दिया था यार. एक गोली से दो निशाने. कम इन, गेट आउट. जी अभी तो आपने कहा कम इन. आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो गिले से कोई दूर करने आया हूं. ये आपके लिए. क्या है ये? फ्रेंडशिप वाले कार्ड है जी, आपको जो पसंद आए रख लीजिए. मुझे समझ में नहीं आया, एक काम कीजिए, आप सारे रख लीजिए. तो क्या है जी, धर्म ने गलत इंप्रेशन दे दिया हमारा. वैसे मैं आपके लिए तोहफा भी लाया हूं जी. बैंगन,
पूरे 2 किलो है जी। आपको पसंद है ना? अक्सर बाजार में आपको खरीदते हुए देखा है जी। जी आज पहली बार किसी लड़की को तोहफा दे रहा हूँ जी, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। कड़ा जी, मेरे पास एक कड़ा है। वो क्या है कि मुझे पंजाब बहुत पसंद है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जी कि पिछले जन्म में ना मैं भी पंजाबी था। मक्की दी रोटी, सरसों का साग, अच्छी जगह है, मैं गई हूँ एक दो बार। आप पंजाब से नहीं है? नहीं, मैं कलकत्ता से। कलकत्ता? मैं तो चक्रवर्ती जी, सारी पिक्चर देख चुका हूँ मैं उसकी, रसगुल्ले। मैं मजाक कर रही थी, मैं तो एक्चुअली गुजरात से हूँ। गुजरात? ढोकले जी, ढोकले। तुम डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें क्या पसंद है? अरे आप क्यों डिसाइड करती कि आप कहाँ से? कल मैं आपके लिए टिंडे लाऊंगा, चलेगा ना जी? अरे बैंगन लेके गया था, बैंगन लड़की के लिए है? क्या बात है, लड़की को पटाने के लिए कोई बैंगन लेकर जाता है? हाँ हाँ, मैंने तो डिप्लोमा ले रखा है ना कि लड़कियों को तोहफे कैसे देते हैं। और इस तरह गया था? क्यों, क्या खराबी है इनमें? हाँ धर्म, क्या खराबी? तुझे अपना स्टाइल बदलना होगा। अरे इससे तो भाड़े की मशूका भी हासिल नहीं होगी, ये मेरा गुजोद्रू ऐसे ही है। ए धर्म, देख लेना, जो तू नहीं कर सका ना वो मेरा ये भाई करेगा। अच्छा। लेकिन इसमें भी सारा कमी है, ये शराब नहीं पीता। शराब मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। क्यों बदनाम करते हो इस प्यारी शराब को? ये साली सारे सिस्टम ठीक कर देती है। लेकिन भैया तुम भी कभी शराब पी के कंज्यूम हुए होगे? एक बार पी थी। देखा जरा, देखा। हुआ ये, एक दफा मैंने दारू पीकर मैंने एक एलिवेटर को हाईजैक कर लिया। It's a hijack. अब take me to the 50th floor. There are only 20 floors in this tower, sweetheart. भैया तुम बंदे कमाल के हो, दूध पीते हो। तू भी बहुत कमाल का है, काश हम दोनों एक साथ बड़े हुए होते। तुम बड़े होने की बात करते हो, अपना तो बचपन अभी तक गया ही नहीं है। मेरी छोड़ो, मेरा यह धरा भरा, इसका भी बचपना नहीं गया। ये अभी तक लौंडो जैसी बदमाशियां करता है। लेकिन ये जो धरा भरा कमाल का बंदा है, मेरा सब कुछ है तू धरा, सब कुछ, मेरी माँ भी, मेरा बाप भी। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी असली माँ? पता नहीं, छोड़कर चली गई हमको, छोड़कर चली गई ना हमको। ए धर्म, हाँ हाँ बेटे, साला मूड खराब कर दिया इसने, धर्म मूड खराब कर दिया। चलता हूँ धर्म, गुड नाइट। आपने गुजोधर को कुछ नहीं बताया ना? घबराइए मत, मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको और गुजोधर को
माँ के पास जरूर लेकर जाऊंगा। अरे क्या बात है, बड़े फोटो शोटो खींच रहे हो हैं? अरे ओ मैडम, तने हमारी फोटो शोटो खींच लो ना। खींच लो ना, हम भी एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं। फोटो तो हमने खींचा है तुम्हारी कन पट्टी पे, तुझे भी खिंचवानी है क्या? चल भाग। साले कुत्ते कहीं के। साले से मैं पसंद नहीं है, लेकिन बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर कोई बदतमीजी करे तो फिर साइलेंस करना जरूरी है ना। खैर छोड़िए इन बातों को, स्मार्ट लग रहे हैं ना हम। वो क्या है कि किसी ने कहा है कि दिल अच्छा हो या ना हो, लेकिन शक्ल सूरत और कपड़े अच्छे होने चाहिए। क्या है ये? पढ़िए तो सही प्लीज। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गजोधर सिंह सुपुत्र श्री धर्म सिंह ने जय भवानी महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अरे मतलब हमने ग्रेजुएशन किया है। पढ़िए तो सही पढ़िए। अध्ययन काल में श्री गजोधर का चरित्र अति उत्तम रहा है, वे सच्चरित्र और अच्छे विचारों के स्वामी हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या है ये? हमारा चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा पत्र? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओ कॉलेज में मिला था। अब कॉलेज की टीचर थोड़ी ना झूठ लिखेंगी। देखिए वैसे हमारा दिल बहुत अच्छा है, लिवर किडनी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, लेकिन ये दिल कमाल का है। तेरी ये आंखें मुझे बावरा करें, आंखों में मेरी कई रंग हैं भरे, सौ बार ये कहे दिल के राजा तुझे प्यार करें, सौ बार ये कहे दिल के राजा तुझे प्यार करें।
चले। क्या बात है? मैं हमारे बारे में सोच रही थी। ये तो अच्छी बात है, पर थोड़ा प्यार से सोचो ना, उदास होके क्यों? तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते। नहीं जानते तो जान जाएंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। यार ये भाई हर लव स्टोरी के बीच में कहां से आटा पकते हैं? वही तो, सदियों से साहिबा के भाई उसके प्यार के खिलाफ थे, और शायद इस बार भी। एक मिनट, तुम्हारी उम्र तो इतनी नहीं दिखती। शट अप। पंजाब की बहुत पुरानी प्रेम कहानी है, मिर्जा साहिबा। मिर्जा साहिबा? हाँ। ये तो पहली बार किसी लड़के का नाम लड़की के नाम से पहले आ रहा है, वरना लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह वगैरह। मिर्जा था ही कुछ ऐसा। अच्छा। मिर्जा और साहिबा बचपन के दोस्त थे, और जैसे वो बड़े हुए उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अच्छा। लेकिन साहिबा के भाइयों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। तो इसका मतलब मिर्जा ने साहिबा के घर के सामने गाना गाकर जान दे दी होगी। एक्सक्यूज मी, मिर्जा उन बाकी आशिकों की तरह नहीं था, यू नो ही वाज डिफरेंट। अच्छा। साहिबा ने मिर्जा को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि अगर असली मर्द है तो मुझे भगा कर ले जा, और मिर्जा साहिबा को उसकी शादी वाले दिन भगा कर ले गया। ये मिर्जा तो कमाल का बंदा है, वरना मरकर किसको लड़की मिलती है, वो तो भगा कर ही लेके जानी पड़ती है। साहिबा के भाई उनका पीछा कर रहे थे जब मिर्जा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो साहिबा ने अपने भाइयों को आते हुए देखा। अब एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके भाई। साहिबा को एक बात मालूम थी कि अगर मिर्जा उठ गया तो उसके सारे भाइयों को मार डालेगा। साहिबा को लगा कि वो अपने भाइयों को मना लेगी, और उसने मिर्जा की तरकश में से सारे तीर निकालकर तोड़ दिए। लेकिन उसके भाइयों ने उसकी एक ना सुनी और मिर्जा पर वार कर दिया, और जब मिर्जा ने उठकर उनसे लड़ने के लिए अपना तरकश उठाया तो उसे साहिबा की करतूत पता चली, और मिर्जा ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। वाह, धर्म की कसम, कमाल का आशिक था। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये लड़कियां अपने आशिकों की जान ले लेती हैं। सारे मुश्किल फैसले लड़कियों को ही लेने पड़ते हैं। अगर साहिबा के भाई मर जाते ना, तो दुनिया साहिबा को गालियां निकालती कि देखो साहिबा ने अपने भाइयों को मरवा डाला। तो आज की साहिबा को अपने भाइयों और मिर्जा के बीच में चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगी? क्या कहे क्या न कहे। पंदे को तो देख लेने दे। तुझे प्यार कर
गजोधर। अरे मेरा गजोधरू, ये उदास उदास क्यों बैठा है यार? चल घर चलते हैं, दो बड़े बड़े पटियाला टिकाएंगे, मूड सारा टकाटक हो जाएगा। सब खत्म हो गया धर्म, मुझे साहिबा के पास जाना है। क्या खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं तेरे लिए साहिबा से भी सोनी कुड़ी लाऊंगा। अरे ये क्या बेटे? हाँ कुछ हो सर? टूट गया गजोधर, मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने हमेशा मजाक उड़ाया उसकी मोहब्बत का, तू उसकी मदद कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? बहुत भरोसा है उसको तुम पर, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैं उसकी मदद क्यों करूं? इसलिए कि तू उसका भाई है, भाई है तू उसका, और तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है तू परमवीर। बस यही सुनना चाहता था आपसे। परमवीर उसकी मदद करता। मुझे तुम पर भरोसा है बेटी। बेटे एक वादा करो, ये सच्चाई गजोधर को कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं बताओगे। दो महीने का था वो जब मैं उसे उठाकर भाग गया था। उसकी मां से जुदा करके बहुत बड़ा पाप किया है मेरे बेटे, बहुत बड़ा पाप किया है। गजोधर को इस बात का पता चल गया, वो नफरत करने लगेगा मुझसे, छोड़कर भाग जाएगा मुझे, और ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे मत बताना। नहीं बताऊंगा। आप मम्मी को एक बार मिलने तो आएंगे ना? तेरी मां के पास किस मुंह से जाऊंगा उसके पास? मैं तेरी मां बहुत महान है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं बेटे। मम्मी के लिए आज भी आप सब कुछ है, सब कुछ। चल चलते हैं। कहाँ? तेरी साहिबा को लाने पंजाब। बात करता है। अरे टेंशन क्यों लेता है? हम पंजाब जाकर उसे लाएंगे कैसे? अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब इन पंजाब डू एज द पंजाबीज डू। तू तो धर्म से भी बड़ा कबीरा निकला। कोई एक भी मुंडा ठीक नहीं है, साले सारे तो सारे देसी हैं। कोई नारायणी मिल लिया क्या? पाजी मैंने कुलजीत से बात की थी, कनाडा में उसके रिश्तेदार रहते हैं, उसने कहा था जी अच्छा लड़का मिलते ही बताएगा वो। अफसोस हमारे देश में एक भी ढंग का बंदा नहीं बचा, सबके सब साले विदेश में जाके बैठे हैं। ओए बिल्ले चुप कर। ले मैं झूठ बोले कोई? अगर कोई मुंडा नहीं मिल रहा है तो मैं तैयार हूँ जी साहिबा से ब्याह करने के लिए। तेरे पुत्र, जे तू मेरे भाइयों का दोस्त ना होता तो आज इस घर से तेरी लाश जाती। पाजी मैंने तो गुड फेथ में कहा जी। चुप कर। बोली। हाँ जी पाजी। ये फोटो ले जाके साहिबा को दिखा दे और बोल दे इनमें से कोई मुंडा पसंद कर ले अपने लिए। बोली जा जाके कहते जोगिंदर वीर जी से
जिस लड़के से मुझे शादी करनी है ना, उसकी फोटो है मेरे पास। जोगिंदर पाजी, ओ जोगिंदर पाजी। ओए बब्बू, तू मछरे हुए घोड़े की तरह क्यों दौड़ रहा है? क्या बात हुई है? एनआरआई आए हैं कनाडा से, विवाह के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी साहिबा की बात चलाऊं? लो जी कर लो गल फिर, एनआरआई और पूछ पूछ ना। मैं तो पहले ही करता था पाजी। चुप कर बिल्ले यार, चुप कर। चलो आप ही गल कर लो। ओए बुलाओ सबको चाय पर। ठीक है पाजी। ओए तैयारियां शुरू करो, एनआरआई आए हैं। लगा उतर गई ना तो बहुत पिटाई होगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और डरो ना जी, हमारे पाले में गुंडे हैं। आओ जी, आओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बैठो जी, बैठो। जी मेरा नाम परमवीर सिंह ढिल्लों है, ते मेरा भरा करमवीर सिंह ढिल्लों। हम सब साहिबा के भरा हैं जी। मेरा नाम जोगिंदर सिंह बराड़, ये बिल्ला, ये जरनैल, ये कालू, कोती और जो वहाँ पतला जड़ा गॉगल पहन के बैठा है ना, वो मेरे भाइयों का दोस्त है जी, बिंदा। हाय जी। यार इसके तो पांच भाई हैं, मुझे लगा सिर्फ दो हैं। ताकि होया। और ये मेरी गन है जी, पिताजी ने मरने से पहले मेरे हाथ में थमा दी थी कि मैं अपने घर वालों की रक्षा इससे करूं। भरी हुई है जी, छह गोलियां। भाई इस बंदे की आंखें मैंने कईयों देखी हैं। फिर चढ़ा के आया देसी। की गल करते तुसी भाई ना जी ना। ताजी, एक मिनट। ये हमारे ताजी की बेटी है जी, पोली। हमारे साथ ही रहती है। How do you do? How do you do? सत श्री अकाल। कैसे करते हो जी? हाँ जी। पाजी, साहिबा ने आने से इनकार कर दिया है। ओए सुन। हाँ? बैठ जा। साहिबा नहीं आ सकती जी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओए कोई गल नहीं जी। बाबू ने हमें बायोडेटा और फोटो दिखा दी थी। हमें लड़की पसंद है ना? देखो जी, हमारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई थी। हम भाइयों ने साहिबाओं को बहन की तरह नहीं, बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे टॉप से टॉप कॉलेज में भेजा है। हमने उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जो उसने मांगा हमने दिया। और अपनी जिम्मेवारियां निभाने के चक्कर में बेचारे खुद कुंवारे रह गए। यार बिल्ले, मैंने तेरे को कितनी बार कहा कि इस बात पर बात मत करा कर। अच्छा, तुसी ठाण पो। क्या कह रहा था? सदमा लग जाने। मैं कह रहा था कि हम सब भाई यही चाहते हैं कि साहिबा जहां भी रहे खुश रहे। सही गल है जी। आप कनाडा में कहां रहते हैं जी? वैंकूवर। ब्यूटीफुल शहर है जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। काम काज क्या करते हो जी आप? ओ जी, मैं बैंक में काम करता हूँ और मेरा भाई फाइनेंस का काम करता है। आपका भाई गूंगा है? नहीं जी, बहुत ही शर्मीला है। बहुत ही शरीफ है। पूरे कनाडा में लोग इसकी शराफत दी मिसाल देते हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। और आपने जी? जय भवानी कॉलेज जी। ओ जी, शर्मिला ही नहीं बल्कि बड़ा मजाकिया भी है। काट मजाक करे अगर। मेरे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम सुनया है जी। ओथे ही था मेरा भरा पढ़िया। ग्रेजुएट है जी, फर्स्ट क्लास जी। मैं तो नकल मार के पास हो जाता सी, लेकिन मेरा भरा हमेशा टॉप रहा। इससे सेकंड आना तो आता ही नहीं। जीनियस है जी, जीनियस। पढ़ाई में फर्स्ट, एथलेटिक्स में फर्स्ट। एथलेटिक्स में? फिर तो आपने वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय मैराथन में भी हिस्सा लिया होगा। हाँ जी, आपको कनाडा के बारे में बड़ी नॉलेज है। आप कनाडा से हैं? ओ नहीं जी, किथे। मेरे बचपन का सपना है जी कनाडा जाने का। देखना एक दिन मेरे लिए भी तूला कनाडा से ही आएगा। Oh, why not? मैं इंटरनेट पे पूरी तैयारी शारी करके बैठी हूँ जी, एकदम रेडी स्टडी टू गो जी। ओ तुसी ता बहुत इंटेलिजेंट हो। वाओ जी, फिर टूट पड़ो। हेलो जी, हेलो। असी प्रोटीन डाइट ते हैं जी। ना वो की हुंदा है?
कनाडा वाली फिश है। अच्छा चल फिर बनाएं कभी। हाँ। इथे मिलती नहीं कनेडियन फिश? भाई आप कनाडा से हो तो आपकी अंग्रेजी वधिया होएगी। जरूर जी जरूर, लेकिन मैं ग्रामर कदी कदी गलती कर देना, लेकिन करमवीर इसकी अंग्रेजी तो कमाल है जी कमाल। अंग्रेज अंग्रेजी गलत बोल सकता है, लेकिन ये नेवर। भाई बुरा मत मानना, आजकल पंजाब में बहुत सारे फर्जी एनआरआई घूम रहे हैं। हम सब आप दोनों की अंग्रेजी सुनना चाहते हैं कनाडा वाली। अब आप दोनों हमारी पोली के साथ अंग्रेजी में बात करके दिखाओ। चलो जी शुरू हो जाओ, रेडी स्टडी से गो। डोंट वरी These idiots don't even know ABCD of English. They're just bullshitting around over there. See, they look like bloody fools. For them, we are aliens. Look at her. She thinks she wants to go to Canada all the time, you know? Look at their dumb faces. I mean, they expect us to speak English and when they don't understand a damn word of it. Look at that idiot. Look at that fool. Look at that fool. He's been staring at you ever since from the beginning, right? Right. He thinks he's smart. I'm getting lost now. You know, I've done too much of it. God, I'm tired. I mean, they are like big fools. Is that enough for you all? Oh, come on, huh? Come on, Hannah. Thank you. Bloody fools. Wow. बहुत बढ़िया। पाजी मैं देखिए इंटरनेट पे ऐसे ही बोलते हैं। गुड जी। भाई मुझे आपकी अंग्रेजी का एक भी लफ्ज समझ में नहीं आया, पर आप दोनों की बातें सुनकर अंग्रेजी में मेरा जी कुछ खुश सा हो गया। वो जो आपने फूल वाली बात कही ना पाजी, वो तो दिल को छू के चलेगी जी, मतलब बार बार सी हो गई है। ओ बिल्ला जी, वो फूल वाली लाइन ना थोड़े लिए सी। अच्छा पाजी, मिंटे तो बंदे फड़े है पिंड विच। ओए मिंटी के बंदे हमारे यहाँ? ओए आओए तोड़ी ते। ओए तेरा काम हो गया, अब तेरी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। अगर इन्हें थोड़ा भी शक हुआ ना, ओए रिलैक्स। ये हो क्या रहे, मार क्यों रहे हैं? ये यहाँ के MLA मिंटी तेजपाल के आदमी है। वो क्या है, जोगिंदर पाजी इस बार वो स्टैंडिंग इनटू इलेक्शन, तो पाजी ने मिंटी से कहा तेरे बंदे हमारे पिंड में नजर नहीं आने चाहिए। पर नो, और हमारे जोगिंदर पाजी को ना सुनने की आदत नहीं है। आपने कभी नायग्रा फॉल से छलांग लगाई है जी? नहीं जी, अब जाकर जरूर लगाएंगे। हाँ, हम तो यहाँ नहर में लगाते हैं। क्या इनके पिंड में इनको चला है? मिंटू से कहना औकात दे रहे। चल 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 चल, अब इनका क्या करें? परमवीर लड़का अच्छा है जी। पाजी करमवीर शांत है, तो परमवीर ज्यादा बढ़िया पंजाबी बोलता है जी, लेकिन ज्यादा लंबा तो करमवीर है। परमवीर है ना? ओ ना ओए, ना ज्यादा पढ़ा लिखा तो करमवीर ही है ना। चुप करो यार, ये सब चलता ही रहता है जी। ओ एक बात बताओ जी, आपके माता पिता नहीं आए? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और पिताजी? वो तो बहुत दूर चले गए हैं। ओए मजाक छोड़ यार। कलकत्ता गए हैं बिजनेस पर। पर शादी पर तो आएंगे ना? हाँ जरूर 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 आएंगे। अभी टाइम को मत बुलाना, सारा काम सत्यानाश कर देगा। और चुप हो जाओ ना। तो जी हमने फैसला किया है जी कि हम अपनी साहिबा की शादी इनसे नहीं आपसे करवाना चाहते हैं। जी। पर मेरी तो आपको पता नहीं, मेरी मंजूर है जी, मंजूर। मुबारका, वो बिठा करो, बिठा करो, बल्ले 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 बल्ले। मुबारका जी, मुबारका, कमाल हो गया। और आप बुरा मत मानना भाई साहब, लेकिन ज्यादा पढ़ाकू आदमी ना अच्छा पति कभी नहीं बन सकता। आप सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। है ना जी भाई? और मुझे क्या पता, वो आप तो पढ़े लिखे नहीं। नहीं पति नहीं हूँ। हाँ वो भी है। हम जी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। आप बोलिए जब। आप लोग रह खा रहे हैं होटल जी? पंजाब में आया हुआ मेहमान होटलों में नहीं रहता बब्बू जी। इनका सामान उठाकर होटल से सामने वाली कोठी में लगा दो। चला कहते
फोटो खींचे। एक मिनट पाजी। ओए मेरा नहीं इनका। जी पाजी। लो जी पाजी, ये है आपकी रहायश। चंगा पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। ओ पाजी, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मंगा लेना, शर्माना नहीं। हां दसंगे, जो चीज चाहिए वो तो मैं लेके ही जाऊंगा। क्या बेवकूफी की तूने? तुझे पता है मैं शादीशुदा हूं? अबे तुझे शादी करने के लिए कौन कह रहा है? देख, अगर तू शादी को नो कर देता तो हमारा तो बनारस का टिकट कट जाता ना। मुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए था यहाँ रुकने का, बस। मौका देखते ही मैं तो अपनी साहिबा को लेकर भाग जाऊंगा। ये सही चीज नहीं है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जाकर सच सच बता देते हैं। ओए, ये पंजाब है पंजाब, यहाँ पहले गोली मारते हैं फिर शायद लाश से कुछ बात कर ले। ओए अब ये तो बताओ, इसने किया क्या था? पता नहीं जी, अब तो पूछ भी नहीं सकते। समझा? वो तो कहाँ जा रहा है? अपनी साहिबा से कहने क्या उसका मिर्जा आ गया। हेलो जी, कौन है तू? जी माई सेल्फ करमवीर सिंह ढिल्लो, ब्रदर ऑफ परमवीर सिंह ढिल्लो, योर पति टू बी जी। खिड़की से क्यों आए? ओ जी, स्टाइल है स्टाइल। कनाडा में ऐसी कोई खिड़की नहीं जिससे हम नहीं गुजरे। हाँ पहुंच जा यहाँ से और कहते अपने भाई से कि मैं उससे कोई शादीवादी नहीं करने वाली। हाय, मुंह की बात छीन लीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों भाग निकलते हैं। बदतमीज, मैं तेरी जान ले लेनी है। तुम्हें तो कहा था कि साहिबा अपने प्यार के साथ भाग गई थी। अगर आज की साहिबा को अपने भाई और मिर्जा के बीच में चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगी? अच्छा हो तुम आ गए, वरना मैं तो भाग जाती। ओए, किसके साथ? अकेले। तुम बड़ी पीटी उषा बनने चली थी, हाँ? अब मैं आ गया हूं, हम दोनों साथ भागेंगे। साहिबा, दरवाजा खोल, जिद नहीं करते। मैं चलता हूँ। पोली, मैंने नहीं दरवाजा खोलना, तेरे पाजी आके दरवाजा तोड़ेंगे, अच्छा लगेगा? जोगिंदर पाजी तेरे पले के लिए सोच रहे हैं, पर अमीर बहुत अच्छा लड़का है, तुझे कनाडा जाने का मौका मिल रहा है। और मुझे देख, मैं कब से तैयारी करके इतने ही बैठी हूँ। पोली, जाके कह दे जोगिंदर पाजी से मुझे लड़का पसंद है। हाँ, ये चल जल्दी से तैयार होके आ जा, परमवीर से मिलवाना है। सुनो, बड़े हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू जी। लबों पे तेरा नाम
मैं जावा चढ़ा दे रंग रिश्ता पक्का हो गया, 7 दिन बाद हमारी साहिबा की शादी हो रही है। मुबारक हो यार। यार पाजी, आपके पिताजी आ रहे हैं ना? नहीं जी, बहुत बिजी हैं। है जी, यार बाप के बिना शादी नहीं होती है। आप एक काम करो, मुझे उनका फोन नंबर दो पाजी। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। मिंटी जी, NRI से रिश्ता पक्का हुआ है। जब इलेक्शन में हारेंगे तो रिश्ते भी टूट जाएंगे। तेजपाल नाम है मेरा, लोग प्यार से मुझे मिंटी एम नहीं बुलाते। सॉरी जी। इट्स ओके जी। बड़ी वर्कशॉप हो रही है जी। वो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕੈਂਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੋਲੀ। ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਲੀ ਭੋਲੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਬ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕੁਆਰੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋ। ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਬੇ ਆਫ ਫੰਡੇ। ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ। स्टैनली पार्क में वॉक लेना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो भोली? एक बार अखा तो खोल मेरे मिस्टर कनेडा। एक बार नहीं, ओए खोलो, देखो। हाय, लव कनेडा, एंड आई लव यू टू जी। जाने से पहले एक बार कनेडा वाली जप्पी तो दे जा सोनिया। हाय रब्बा, एक
दिन ये मिस्टर कनाडा मेरी जान ले लेगा। सिस्टम को सूट नहीं करता। आशिक तो जहर पी लेते हैं, ये तो सिर्फ दूध है, पी ले। पी लो। नहीं पीना है तो जो ट्राई कर दो, मैं पी लांगी। अच्छा। कुछ और भी चाहिए जी? शर्माना नॉट जी, तुसी बड़े इम्पोर्टेंट हो। या या, बिल्कुल जी। तुम दोनों की इंग्लिश बड़ी बल्ले बल्ले है। हाँ? कुछ चाहिए जी? नथिंग। पोली, जरा पराठे तो देना। सामने पे उठा ले। ओके। साहिबा। जी। मक्खन देना। जी भी जी। जी साहिबा से याद आया, सुना है कि मिर्जा साहिबा की कहानी दोबारा लिखी जा रही है नए जमाने के लिए। ओए फिर तो सत्यानाश कर देंगे। पाजी, समय के साथ कहानी को भी तो बदलना पड़ता है, जैसे देवदास को देवडी बनना पड़ता है, हैं जी? और सुना है कि इस कहानी में मिर्जा साहिबा को लेके भाग तो जाता है लेकिन उनकी शादी हो जाती है। हैप्पी एंडिंग्स जी। और नहीं चलेगा जी, कहानी का मजा ही तब है जब आशिक मर जाए, है ना भाई? मुबारक हो, तेरी मौत की प्लानिंग चल रही है। ओ पाजी, पाजी ये देखो। ओए बहुत बढ़िया जी। देखो ये हुई ना गल, दिखाओ जी जरा। देखो वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। ओ पाजी ये तो कमाल हो गया। ओ पाजी हथे भी फड़ा। ओए बल्ले ओए। वाह जी वाह, इनू कहंदे है जोड़ी। हां ला बंदे सोसो है। नहीं जी तहलका है जी। पाजी ऐसी की जरूरत सी? यार हमारी बहन की शादी NRI से हो रही है, पूरे पंजाब को पता चलना चाहिए ना। अखबार ते विदेश भी जाता है, साड़ी इज्जत वधेगी। भाई इलेक्शन का टाइम हैगा, कनाडा वालों के रिश्तेदार दिल खोल के वोट देंगे पाजी को। ओ कनाडा भी जाता है? भाई पंजाब कितने लोग कनाडा में रहते हैं कि कभी कभी लगता है कि कनाडा हमारे पड़ोस में ही है। मेरी मौत पक्की है। जीतेगा भाई जीतेगा। और तो और जो भी मेरे लिए वोट करेगा उसके परिवार के एक बंदे को हमारे होने वाले जीजाजी NRI जीजाजी सरदार परमवीर सिंह जी ढिल्लों कनाडा का वीजा दिलवाएंगे। कैसे कर सकता हूँ? ओए मैं कौन सा असली में करने को कह रहा हूँ, इतने सालों से हमारे नेता गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, किसी ने हटाई है? चल जल्दी से कर दे बात। अंग्रेजी की बात करी पर इन्हें अंग्रेजी समझ में कहाँ आएगी? हमारे देश में जब कोई अंग्रेजी में बात करता है तो सबको लगता है कि सच बोल रहा है। चलो जी। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने सरदार परमवीर सिंह जी ढिल्लों अंग्रेजी में वादा करेंगे।
सत श्री अकाल। साढ़े जोगिंदर सिंह जी इज द बिगेस्ट लायर। Whatever he's promising, he's not going to deliver. Electricity, water, eradicate poverty. Actually, ministers like Joginder Singh ji who promise a lot, y'all should never give them your votes. And coming back to the visas, I cannot give anybody any visas. It's a hoax. Visa! Visa! हाय रब्बा, मैरी। तेरी लव स्टोरी के चक्कर में मेरा डिवोर्स तो पक्का। अबे तू फोन क्यों नहीं कर लेता? मरना है मुझे। टेंशन मत ले, ये ले, एक पैक लगा और रिलैक्स हो जा। मैं कुछ ऐसा करूं ताकि वो लोग मुझसे नफरत करें और इसका काम हो जाए। ओ जोगिंदर सिंह, बाहर निकल। ओ जोगिंदर, और बाहर निकलो। देख तेरी मौत खड़ी है। ओए कौन अपनी मौत को मासी बुला रहा है? आ गया पसौल जी अपनी फौज नाल। ओ ओ ओ करके रख जा। आए परमवीर सिंह टिल्लो, द शेर, द बब्बर शेर फ्रॉम कनाडा। पाजी, मैं वो शर्मिंदा हूँ, क्या ना कि तारू इनको सूट नहीं करती। ओए परमवीर, जा जाके सो जा, तूने बहुत शराब पी ली है। मैंने अभी पी कहा, मैंने तो अभी शुरू की है। तुम लोगों को तो शराब पीनी भी नहीं आती, ऐसे पीते हैं शराब। देख तेरा मिस्टर तो बड़ा टैंकर है। फौजी चाट रिस्की आफ्टर बाल्टी बिस्की। बुर्रा फौजी, फौजी इसको ना, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और गजोधर मर्द कभी माफी नहीं मांगते। ओए गजोधर कौन है? कौन है गजोधर? वो क्या है ना पीकर, ये कुछ भी बोलता रहता है। और तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था ना? ओए हमने तुझे कब मारा? पता नहीं जी, मुझे भी पता चला कि मेरी पिटाई हुई थी। वैसे आप मुझे कैसे मार सकते हो? आप तो मेरे भाई जैसे हो। क्यों है? और पिस्तौल जी, तेरे को एक बात बतानी है। एक मिनट। सीक्रेट है, तुसी सारे चूहे हो। ओए परमवीर, जबानू लगाम दे। ओए की कर लेगा? ओए ओ कौन है? कौन रोड़ा पा रहा है? ओए तू कौन है? ओ क्या मौत आ गई सवेरे सवेरे? ओए तू है? ओए बल्ले बाल्टी दे भाजी। ओए तू तो साडी बरादरी दे। आजा आजा आजा। ओए अब ये भी पिएगा? ओए तुम में से कोई भी मर्द का आदमी है क्या? पाजी माफ कर दो, माफ कर दो। मर्द है तो नीचे आप। चल ओए, अब को मारूंगा मैं। ये क्या बोल रहा है ये? वो तुम्हारा शराबी भाई। बुलाओ साले को। आराम ज्यादा कहाँ छुप के बैठा है? थले रख देना। ओए नीचे आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं। ओए जाओ, रोको इसको, छोड़ेंगे नहीं आज। जाओ भाई, मेरा जगह में कुछ ही रखा भाई। अरे थोड़ी सी भाई, ओए बहुत हो गई बकवास। मार सके। ओए तुम लोग ने मेरी शराब डाल दी। परमवीर पसली, ओए इधर आकर बोल। ओए चल कूद जा। पाजी मैं कूदूं? ओए मेरे को कूदने को मेरी क्या, क्या उसको मारी? मैंने अपनी टांग में पिछले साल गोली मार दी थी। मैं कूदूं? ओए रोको मुझे, कोई और रोको। इसको अपने कमरे में ले जा जी, इससे मैं कल निपटूंगा। मैं सारे न मारे। ओए ओए कल आने दो। आ
अबे शराबी, छोड़ इसको। एक मिनट। चल। ओके, शराब। हाय, हाय रुपा। सिर। हाय। लोग शराब क्यों पीते हैं? जाके मोहन प्यारे। ये सू किस किस लिए? इससे पहले वो हमको धक्के मार के निकाल दे, हम यहाँ से खिसक लेते हैं। आए। कल रात याद है तुमने क्या किया था? आए। नहीं। चलो चलो याद करो। हाँ, लास्ट याद आया, शराब बाल्टी से पी थी। और किसी की पिटाई भी की थी? किसी की नहीं, साहिबा के भाइयों की पिटाई की तुमने। हाँ? एक पैग पीने को कहा था, पूरी बाल्टी पी ली। हाय रब्बा, शराब क्या करा देती है यार। ओ, 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 जोगिंदर पाजी, माफ कर दो जी, प्लीज माफ कर दो। मेरे जी, माफ कर दो। माफी, माफी। ओए परमवीर, कल रात जो तूने किया है ना, हमें हमारे दादाजी की याद आ गई। हमारे दादाजी भी बाल्टी में शराब भरकर पीते थे। ओए तू है असली शेर यार। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे भाइयों को कुत्ते की तरह मारा है, और वो भी हमारे घर में घुसकर। ओए अगर साहिबा की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो उसे जान से मार देगा। हमें पूरा यकीन है जी कि हमने अपनी बहन के लिए सही लड़का चुना है, है नहीं? बिल्कुल। ओए लल्लू लाल, अपने भाई से कुछ सीख ही यार। ना तू शराब पीता है, ना तू लड़ाई झगड़ा करता है, जब देखो सारा दिन माफी माफी बोलता रहता है। सॉरी जी। ओए खुटिया, दादाजी की आत्मा को कल रात को शांति मिली होगी। आओ। पागल है साले। ओए अभी बच गए, तू और कुछ मत करना। नहीं करता पापा, पर तेरा प्लान सही था, साहिबा को लेके भाग जा, बाकी मैं संभालूंगा। शॉर्ट रख ली मैडम, डायरी रख ली मैडम। एक मिनट। हाँ, जी मैडम, हम छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे, हम भाग रहे हैं। हाँ? फिर मैं इधर रिवॉल्वर दिखाया। ओए मैं कनाडे की गल कर रहा हूं, मैं थोड़ी रिवॉल्वर चलाना है। वो ये अगली पिस्तौल है। फिर मुंडा कुड़ी दौड़ गए। दौड़ गए। हाँ दौड़ गए। कौन है? ओए करमवीर, तू साहिबा के साथ क्या कर रहा है? कौन साहिबा? सड़े अभी बताता हूँ मैं कहाँ है। डब्बा मार गया। ओ पाजी, ये साहिबा नहीं है तो परमवीर है। परमवीर आपने पी रखी है। पीती हो बहुत है यार मैंने। एक मिनट ठहर जा, देख लेना। दे पाजी, आपके कलेजे का टुकड़ा, आपकी प्यारी बहन। हाँ। एक दिन आपसे दूर चली जाएगी, इसीलिए वो आपको हर जगह नजर आ रही है। बहन का प्यार होता ही ऐसे है। कमाल ही होगी यार, परमवीर में साहिबा नजर आ रही है। हाँ, हाँ। मैं टूट है भाई। हाँ जी, तो कमाल की जोड़ी बनाई है। मैं क्या जी। आओ भी, आओ आओ कर, चलो आओ आओ चलो। ओ भुलेखा हो गया भाई, माफी। आप चलो। हाँ। हम आते हैं। ओ बुहा तो खोल दो, यहीं खड़े रहना मैं सारी रात।
सरदार जी जोगिंदर सिंह का घर जाइए। आई 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 आई। जल्दी में अरे जाके पूछ लो। ओए गुजोधर ओ तेरी ओ सरदार बन के बड़ा सोना लग रहे हो। ओ धर्म तू ये क्या कर रहा है? गुस्सा क्यों कर रहा है यार? तेरी शादी पे किसी गुरमीत ने पर्सनली इनवाइट किया है मुझे। अरे बेटी तू कैसी है? ओए एक मिनट पर तुम दोनों रात को जा कहाँ रहे हो? हम भाग रहे हैं। भाग? तुम्हारी तो शादी होने वाली है। नहीं हो रही शादी। तो फिर मैं किसकी शादी में आया हूँ? ठहरो। फंस गया। समझ गया बच्चे, शादी से पहले सबको थोड़ी दुख 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 होती है, बाद में बुग 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 होती है। धर्म आ गया है, सब ठीक कर देगा। और हो जाओ शुरू। कट के बोतल डब चो जट मुनु जल लावे और डफली बजे आपो आप ते नशे सुरन चढ़ जावे और तक तक तड़के दिल तरती दा और तक तक तड़के दिल तरती दा अंबर ढोल बजावे और सोनिया वीरो पहन दियो हुण देर न लावो कर हथ पीड़े कुड़ी दे साडे पल्ले पावो। कौन है वहां? कौन है सूट पहन के? धर्म सिंह जरा ठहरो। धर्म सिंह कौन? माय फादर फ्रॉम कनाडा NRI। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं जी सरदार जोगिंदर सिंह और ये हम सब साहिबा के भाई हैं। गुड इवनिंग। ओए साहिबा तू आधी रात को टोपी पहनकर करमवीर के साथ क्या कर रही है? वो बीजी वो करमवीर। करमवीर कौन है जी? पापा तुसी दा ना रखे परमवीर करमवीर। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो मजाक कर लिया था। वैसे प्यार से मैं से गज्जू बुलाता हूँ। गज्जू गज्जू। आप इतने टेंस क्यों हैं जी? अब सहमा करमवीर के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? लेकिन व्याह तो परमवीर के साथ हो रहा है ना। परमवीर के साथ? ओ यार किस बम्बर मुंह से मैं डाल दिया मुझे। परमवीर के साथ हो रहा है? ओ चलो परमवीर के साथ ही सही, वरना ये बैंड बाजे लेके रात को मैं कहां बजाता फिरता। साहिबा तूने जवाब नहीं दिया, क्या कर रही तू यहाँ पर? वो वीर जी, वो इसका जवाब तो परमवीर देगा। मैं? हाँ बता। बता। अरे पापा आ गए, अब पापा ही जवाब देंगे। पापा ही जवाब देंगे। जो बन नहीं पाते इनसे मेरे ऊपर डाल देते हैं, बड़े बदमाश हैं ये। और मैं बताता हूँ जी, दरअसल बच्चों को मैंने किया था टेलीफोन और ये मुझे रिसीव करने के लिए गेट पर आ गए। बड़े ही चंगे बच्चे हैं जी। सहमा बेटे ये तेरी सासू माँ ने भेजा है तेरे लिए, शगुन का सामान है बच्चे, संभाल के रखना। टोपी बड़ी अच्छी है। अब यही खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? आओ जी आओ 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 जी। ओए एक मिनट। ओए दो दो परमीरिया क्या कर रहे हैं? एक तो एजेंट परमीर है और एक ये लेडी परमीर है। ओए तेरे को कितनी बार कहा है कि पीनी है तो अंग्रेजी पिया कर, देसी ना पिया कर, देसी पी कर आ गया है जी। आओ जी आओ जी आओ जी। देसी पी के ऐसा ही होता है। ओ भाई क्या खराबी है देसी में, ऐसे ही बदनाम करते फिरते हो। अबे चलाएगा या उखाड़ेगा? उधर स्नैक्स तो मैं लाया हूँ बच्चे, थोड़ा बर्फ का इंतजाम कर दे। हाँ हाँ हो जाएगा। जोगिंदर सिंह से कहता हूँ कि जहाँ पनाह के लिए सारा बंदोबस्त कर दे और नाश्ते वाले की बुकिंग ये कर देगा। अच्छा। चल रिंग बना। मेरी मानो तो सब कुछ सच सच बता दो। हाँ और हमारा सच सुनकर वो हमें गले लगा लेंगे। हाँ अपना सच ही इतना कन्फ्यूजन वाला है। अच्छा भला भाग रहा था, धर्म ने आके सारा प्लान चौपट कर दिया। ओ, तेरा तो प्लान ही साला गलत है, भागना तुझे नहीं उसे चाहिए था। अबे ये क्यों भागेगा? हाँ मैं साहिबा के साथ क्यों भागूंगा? तुझे साहिबा के साथ भागने को कौन कहता है? तू अकेला भाग जा ना यहाँ से। अकेला? सीधी सी तो बात है परमवीर, तू भाग जाएगा वो समझेंगे तू शादी से डर गया और मैं जैसे तैसे करके गजोदर को उनकी नजरों में हीरो साबित कर दूंगा।
छोरे की शादी हो जाएगी साहिबा के साथ, और फिर यार अपना गजोधर भी तो उनकी नजरों में एन्ना रही है। अबे धर्म, तू बहुत बड़ा कमीना है यार। चीयर्स। अरे भाई लेकिन मैं भागूंगा कैसे? अबे बाजार चले जाना और लौटना मत। जी बाजार जा रहे सी। हाय रब्बा, तुसी घर के दमाद हो? 100 की चाहिए, नौकर ले आएंगे। जी मेरा जाना बहुत जरूरी है। ओ नहीं जी, तुसी मेरे नाल चलो, व्यादी बहुत तैयारियां करनी है। चलो चलो बैठो। ठीक है, आराम नाल बैठो जी। क्या दी की तरह मत बैठो, बड़ी कसी हुई गड्डी है जी। ससुराल दी गड्डी है। अगर किसी तरह से मिंटी के आसपास के गांव वाले हमारी तरफ आ जाएं तो इलेक्शन जीत सकते हैं। पाजी, पाजी, वो मिंटी ने कमाल का पैंतरा खेल दिया है। अपने कुएं में 10 बोरी शक्कर डाल के लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि मेरे कुएं से मीठा पानी आ रहा है। क्या ओ, ये है ऊपर वाले का करिश्मा। ओ जी खोल के मीठा पानी पियो, जी खोल के। ओ तेजपाल नाम है मेरा, प्यार से लोग मुझे मिंटी एवं नहीं बुलाते। ओ सारा खेल खराब हो गया, मैं क्या करूं? मुबारकबाद दे दो जी। और बकवास बंद कर दूं? ठीक है चलो। पाजी मैं कुछ कहूं? हाँ भाई चल तू भी बोल ले, लल्लू लाल बोल। पाजी कुआं तो आपके खेत में भी है। ओ तो क्या आत्महत्या कर लूं? नहीं जी, कुआं तो आपके खेत में भी है। तो मैं इसे कहते हैं ऊपर वाले का असली करिश्मा। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी कुएं से शराब निकली है। शराब, लेकिन याद रहे ये दारू नहीं दवा है। जोगिंदर सिंह जी के राज में सबका भला होगा, इन पर ऊपर वाले की मेहर हुई है, और जिसे रब ने चुन लिया उसे आप भी चुने, और हवाई जहाज पर ठप्पा लगाए। सालों ने कुएं में अंग्रेजी डाली है। मिंटी जी, ये सारा खेल उन एनआरआई बंदों का किया धरा है। उस जोगिंदर उसकी पलटन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आने वाली सारी नस्ल याद रखन गया। पाजी, परमवीर हमसे हमेशा कहता था कि कर्मवीर में बहुत बात है, पर हमने ही समझने में थोड़ा टाइम लगा दिया। पर लल्लू लाल आज तो तूने कमाल कर दिया। आओ जी बैठो जी, बैठो बैठो। जोगिंदर जी, परमवीर आपसे कुछ और भी कहना चाहता था, बेचारा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या कहना चाहता है जी? दरअसल बात यह है जोगिंदर जी कि हमारा परमवीर शादी से गया है, घबरा जी, और इतना घबरा गया कि वो डर के भाग गया यहाँ से। ये शादी होती भी खतरनाक चीज है ना जी। आप बहुत मजाक किया है जी, आपके सारा खानदान मजाक किया है जी। अगर परमवीर भाग गया है तो पीछे उसका भूत खड़ा, पीछे देखो जी आप। जोगिंदर पाजी, परमवीर जी का नाप पाप ले लिया है, यारी सारी तैयारियां शुरू हो गई है। शाबाश बोली। अब हम भी अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं जी, मना आप करेंगे नहीं, और ना सुनने की हमको आदत नहीं है। तो पाजी हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी पोली की शादी आपके लल्लू लाल से करवाना चाहते हैं। तो पाजी आपका क्या ख्याल है? मंजूर है जी। ओए मुबारक हो, कोई गल नहीं, मुबारक जी, मुबारक मुबारक जी। हनीमून पे ना हम क्रूज पे जाएंगे टाइटैनिक की तरह।
मुबारक हो, अब तुम पोली के पोले बनने वाले हो। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस पोली से कभी शादी नहीं करूंगा। इससे पहले कोई और मुसीबत आए हम आज रात को ही भागेंगे। ओके 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 मैं क्रंपी सरदार। ओके कर्मवीर परमवीर फिर शहर पे निकले हो? बस जी राजमाजम कर रहे हैं। वैसे आप क्या कर रहे हो? मैं अपने कमरे में घुस रहा हूँ। कब? वो सारा पिंड मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। चल जैसे ही मेरे कमरे ने आना मैंने कूद के घुस जाना। पहली चढ़ गई है। सारे का इलाज क्यों कराते? स्टॉप इट। ओके जल्दी करो। अब ये कौन है? मुझे क्या पता। I know you're in there. ओ मेरी माँ, चुप कर। Hey you, open the gate. चल चल, वापस चल। Where are you going? Open the gate. I said open these gates. Get it, dumbé. I thought I was dreaming. परमवीर फिर फंस गए। पता नहीं जी कौन है। परमवीर आई सेड कम आउट। इतनी रात को इतने सारे लोग। परमवीर आई नो यू आर हाइडिंग देयर। ये साला परमवीर क्या कर रहा है वहां पर? परमवीर कौन? परमवीर काल, लेकिन उसका फोन नंबर नहीं हमारे पास। बुलाने की बात कर रही है बिंदे। पता है परमवीर कितना चिल्लाती है ये। परमवीर आई नो यू आर इन देयर। पर बोल क्या रही है? डोंट ट्राई एंड फूल मी। एक्सक्यूज मी, व्हाट योर नेम इज? क्या हो रहा है जी? पाजी वो कुछ अंग्रेजी में परमवीर परमवीर चिल्ला रही है। ओ मैं भी लेकर आता हूँ उसे। अरे बाप, मैं की कर रहा? तू यहाँ खड़ा करके रहा? मैं की कर रहा भाई? पागल मैम दो बच्चों के साथ तुझे ढूंढ रही है, तू जाता क्यों नहीं? ओ पागल मैम मेरी बीवी है। और तुम दोनों पोस्टर बने दीवार से चिपके क्या कर रहे हो? उधर एक पागल और चिल्ला रही है तुम्हारा नाम लेकर, जाओ देखो कौन है। वो पागल नहीं, इसकी बीवी और बच्चे हैं। गेम आई लाइक क्रिकेट। There you are. You're a dead man, Paramveer. Now I know why you were dying to come to India. So you can marry some Indian girl like any good Indian guy, right? Wrong. Who do you think am I? I'm in a fix over here. Try and understand. You ho ki raha hai? Binde, angrezi mein daant rahi hai. What the hell are you doing in Punjab? You see, the whole thing changed and we're in a big problem and I cannot explain it to you, everything. So kindly, just listen to me. I don't want to listen to you. Just shut up and listen to me. I'm trying to tell you we are a big mess over here. You have to understand that he's my father, that's my brother. You spoiled the whole game. एक मिनट जी, एक मिनट। मैंने आपको इसको अंग्रेजी में शट अप कहते हुए सुना है। आप इस बेचारी मेम को क्यों डांट रहे हो जी? और जोगिंदर जी, दरअसल बात ये है, ये बेचारी वैनकूवर में हमारे पड़ोस में रहती है। पिछले साल इसका पति हो गया लापता और उसी की तलाश में ये बेचारी मारी मारी फिर रही है। बहुत बुरा हुआ जी मैम के साथ। मैडम माना कि आपके पति का नाम भी परमवीर है और लापता है, इसका यह मतलब नहीं कि आधी रात को पंजाब के सारे परमवीरों को उठाती रहो। माय ब्रदर एंड फादर आर एब्सोल्युटली राइट। तुम पागल हो गई हो, पराए मुल्क में रात को पागलों की तरह घूम रही हो। एक मिनट जी, मेम साहब जी आप फिक्र मत करो, हम आपके पति परमवीर को ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। अंग्रेजी में बोलो। हाँ जी, ही इज सेइंग दैट ही विल हेल्प यू फाइंड योर हस्बैंड। बाय द वे ही इज जोगिंदर सिंह। मेरी है। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि किसी और की है। नहीं नहीं, मेरी मतलब इधर ना मेरी है। हाँ। MERY मेरी। 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 मेरा नाम जोगिंदर सिंह बराड़ है जी। हेलो। आप मेरी हैं। ओ जी छोड़ो, देखो।
कोई बात नहीं, दो बच्चे पहने साड़ी उन ठीक है। ओए पुलिस साहिबा, ये अकेली रात को कहीं और नहीं जाएगी, हमारे घर पे रहेगी। मैरी फ्रॉम कनाडा, कम 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 कम, आई कनाडा लव वेरी मच। आई हेट यू पॉप। देख दो। एक मिनट जी, इसने आपको क्या बुलाया? पा। पा का मतलब होता है पिता, तो इसने आपको पा क्यों बुलाया? वो क्या जी, उनके बाप की शक्ल इससे बहुत मिलती है। हाँ ठीक है, देखो पाजी, बाहर के मुल्कों में ना लोग किसी को ताया चाचा मामा कह के नहीं पुकारते, हर नाम को छोटा कर देते हैं। जैसे थॉमसन को टॉम, रॉबर्ट को रॉब, वैसे ही परमवीर को पा। वहां पर जोगिंदर को वो लोग बोलेंगे जो। क्या बोलेंगे? जो पाजी। जो पाजी। जो पाजी। हाँ बड़ा कड़च नाम है जी। बड़ा कड़च है जी। नौजवानों को वोट देते हुए बड़ा मजा आएगा। जो पाजी, आज से सब मुझे जो पाजी बुलाएंगे। जो पाजी। जो पाजी। जो पाजी। जो पाजी। जो पाजी। जो पाजी। जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए तो पूरा हुआ। ओ धर्म बोल गज्जू, बोतल ही पकड़ा दे यार, बुरी मत खेल जाना। साला मेरा लग गया पंजाब में। मैनू भी दे दे। ओ नहीं यार। ओ दे दे प्रावा। अबे तू पी के बौखला जाता है। वैसे ही बुखलाया हुआ हूँ। हाय रब, मैं की करा। अबे कहाँ जा रहा है? अपनी बीवी से मार खाने। ओए नॉक नॉक जी। कौन है जी? बिंदा। एक मिनट, मुझ मुझ चिपका ले। हाँ जी बिंदा जी, आ जाओ। हाय जी। ओ जी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। लो जी, गांव बसानी भिखारी पहले आ गए। ओ आ जा। थैंक यू जी। लिटल गिफ्ट। लिटल? ओ जी, मैनू बड़ा फील बैड होया मेम दी कहानी सुन के। मैं उसके पति को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर रब ना करे अगर उसका पति ना मिलिया तो आप लोग उससे मेरे रिश्ते की बात चला देना। लो जी, तीसरा दूल्हा भी आ गया। मैं उसके बच्चों को कभी भी बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी मेरी तेरी नहीं, मेरी मेरी तेरी। गोइंग वेयर पाजी? मैं मेम जी से ना तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ। गुड लक जी। मेरे, मेरे। You, what do you want? You can't be my husband. I want my husband back. Mary, there's a lot of confusion. Pilam, meri galta sunla. How does? Now listen. I came to India to find my father and my brother. Ab jo wo milke hain. Ek minute. You mean they're really your father and brother? I told you India is a crazy place. Sab pagal hai. You're right. But now let me explain. Cheers, ji. Cheers. 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 बिंदरी, मेरे सोने साकी, कितना खूबसूरत है यार तू है। थैंक यू जी। और तेरी ये जुल्फे, क्या बात है। सो तो है। थोड़ी अकल होती तो क्या हो जाता है। एक्सपीरियंस वो भी सिखा देगा जी। ओ बिंदरी, तू काम काज क्या करता है? कम करके की करना है जी, मेरे बापू के पास पह बात है, फुल टाइम आशकी और ऐश। ओ पैसे तो ठीक है पर मैं मारती बहुत है। कोई नहीं जी, मर्द को दर्द कहाँ होता है। अच्छा। ये देखिए, मछलियाँ भी बनती है। बिंदे वो जूडो कराटे की चैंपियन है, मार के रेबटा मुंह हिला देगी तेरा।
कोई नहीं जी, खा लूंगा। खा लेगा? हाँ। पक्का? हाँ। कमाल है, कमाल हो गया। साले को तो एकदम दर्द नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ। अब निड़ी, इधर आ, इधर आ ना। बेचारी बिंदरी, ले एक सिप मार ले, मार ले, पी जा। गया अंदर। एक बात कहूं, तू दुनिया का वो अजूबा है जिसे तेरा बाप देखता होगा तो कहता होगा, काश उस रात मैं जल्दी क्यों ना सो गया। What a crazy story, but I'm with you. तो हम किसी को नहीं बता सकते कि हम शादीशुदा है? You mean हम रोज चुप चुप की मिलेंगे? Well, this is going to be quite an adventure. I'm loving India. Love you. Now I love you, Pa. I love you too. Ditto. पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी ओ बिंदिया, ओ तेरे गाल बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल क्यों है? ओ मेरी छोड़ा जी, वो मेरी ने क्या कहा? मेरी ने? वो इत्थे आए थे, वो इत्थे आ, मेरी ने कहा कि वो सोच के बताएगी। सच्ची? मुच्ची। ओ पाजी, थैंक यू पाजी। ओ यार, ऑल द बेस्ट। मेरे सारे दर्द दूर हो गए, मेरी भी शादी होगी। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले। पिता और भाई मुझसे नहीं मिलना चाहते तो कोई गल नहीं, बिचारी मेरी भी बच्चों के साथ पंजाब में फंस गई है। और सुन, धर्म सिंह को कह देना कि जहां 30 साल उनके बिना गुजार दिए ना,
तो बाकी भी गुजर जाएंगे। आप धर्म को कैसे जानती हैं? पुत्र, तू कौन बोल रहा है? जी मैं उनका बेटा गजोधर बोल रहा हूँ। पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ। दादाजी, वीर मेरा सारा प्रसाद खा गया, हम और लेकर आते हैं। एक तो जाओ लेकर आओ, और थोड़ा मेरे लिए भी लाना है। ठीक है दादाजी। झूठ मत बोलना, सच सच बता, करुण और वीर तेरे क्या लगते हैं? ये दोनों मेरे पोते हैं। परमवीर, परमवीर मेरा बेटा है और तेरा भाई। तूने मुझसे ये छुपाया क्यों? मैं सच बोलने से डरता था बेटे, मैं डरता था अगर तुझे सच का पता चल गया तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, मुझे नफरत करने लगेगा मुझसे। तू ये कैसे सोच सकता कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा? तो ही तो मेरा सब कुछ है, मेरी माँ, मेरा पाप, मेरा सब कुछ। मेरे तेरी माँ बहुत महान है, मैंने इतने वर्षों तुम्हें से दूर रखा, मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर देना। मेरे धर्म की जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले आया है और मेरा सीना 42 से 52 हो गया है, मालूम है? और लग जाओ मेरे सीने से, मेरे शरीर लग जाओ मेरे सीने से। अब तो सबको भागना पड़ेगा।
ये सही है सबको क्यों तो किसी को मरने के लिए यार छोड़ जाना चाहता है बात करता है ओ धर्म एक बस बुक कर ले अब तो पूरी फैमिली भागेगी ये तो जुगेंद्र पाजी अब उसे पहचान लिया मुझे और तेज भगा तेज ये क्या 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 हो गया और डीजल खत्म हो गया अबे धर्म तू कोई काम ठीक से नहीं करता मारुते में मीटर नहीं होता मेरे बाप अरे अरे अभी बात करना बंद करोगे चले हम यहाँ से ठीक है चलो निकलो चलो 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 निकलो बच्चों हम लोग छुप क्यों रहे हैं अरे तेरे साले आ जाएंगे मैं उनकी पिटाई कर दूंगा बात खत्म हो गई अरे भैया इतने सालों से तो लड़ रहे हो मार पिटाई में क्या रखा है मेरे लिए थोड़ी देर छुप जाओ ना आखिर मेरे साले हैं ठीक है नहीं मारता वादा करो वादा करो हाथ नहीं उठाओगे हाँ वादा करता हूँ हाथ नहीं उठाऊंगा दादाजी पोटी आई है थोड़ी मिक्स में क्लाइमेक्स मेरे पास तो अच्छा खासा गैस का तोपखाना मैं तो उड़ा दूंगा साला ओए ये तो किसी घटिया हिंदी फिल्म का गोदाम लग रहा है यही छुपे होंगे ढूंढो इनको और किधर हो ओए पारो लगता है महामारी छिड़ने वाली है तो माइंड मत करना नहीं नहीं इस साहब ने तो अपना मिर्जा चुन लिया है अब जो होगा देखा जाएगा पाजी मैंने लगता है ये हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। अरे, आज तक मुझे किसी ने लुक्का छुपी में नहीं हराया लेकिन इससे पहले कि मुझे धप्पा मारे पकड़ो इनको ओए तुम उधर जाओ ओए तुम उधर जाओ डरना मत पाजी मैं हूँ अरे तेरी सॉरी कुछ नहीं हुआ चीटियां मर गई बस आ जाओ नहीं ओ ऐसे कैसे जीत गए जी लुका छुपी में जो धप्पा मारता है वो जीता ही है ना चलो अच्छा हुआ बिना लड़ाई झगड़े के मामला सुलझ गया इसी खुशी में भाइयों तालियां 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 अच्छा तो अब चलते एक मिनट एक राउंड और होगा हम फिर से खेलेंगे और जरा इधर देखना अरे रहते तू बीच में कैसे बोल सकता है मारो इनको जमीन से चिपका दे डन डन चिपकाता हूं सर तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो अरे जब धर्मेंद्र सही तो लड़ रहे तो बॉबी जो क्या करेगा रोमांस
कोई और है? तेरी बहन दी। मुझे अपनी असली औकात दिखानी पड़ेगी। ये बंदा आया आंधी है। ओए तू कहाँ जा रहा है? ओ पाजी मैंने बड़ी जोर दी सुजू आई है। ओए तू रुक, तू किधर जा रहा है? ओ सरदार जी मैंने अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। ओ ये क्यों भाग रहे हैं सब? ओए रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू? पाजी मेरा बाप मर गया पाजी। ओ तेरा बाप तो पिछले साल मरा था। वो तो मेरा दूसरा बाप था। तू ना भागना कहीं, मैं तेरे को बोला। इसने मेरी जान बचाई है। ओए तूने सरदार जोगिंदर सिंह की जान बचाई है। ओए हम सब रिश्तेदार हैं, इनको कुट्टो। ओए पम्मी लकी मोंटी पोनी, आज इन सालों को दिखा दो कि स्टार वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मारो सालों को। करम सिंह के हाथ। ट्रेलर देखोगे? आओ। दिन में तारे नजर आए। मेरी पिस्तौल में हमेशा गोलियां नकली होती हैं। क्या? होती हैं। साला इतने दिनों से नकली गोलियों से डरा रहा था। मुझे भी नहीं पता था। ओ जोगिंदर मेरे भाई, ओ मैनू माफ कर दे यार। ओ स्टार गया तेल लेने, अब तो मैं भी हवाई जहाज पर ही ठप्पा लगाऊंगा। प्रेम युद्ध जीत लिया परमवीर पुत्र। जोपाजी पिस्तौल। पिस्तौल। ओ जोपाजी, जोपाजी ऐथे आओ जी। इस सारे कन्फ्यूजन के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। दरअसल ये दोनों भाई बचपन में बिछड़ गए थे। मैं जानता हूँ ये दोनों भाई हैं। इसे नहीं मालूम था ये इसका भाई है। इसने जब बोला ये इसका भाई है
तो इसे लगा ये इसका भाई नहीं है, है? ये कोई एनआरआई है। ओ पाजी पाजी आप फिक्र मत करो, मुझको सब कुछ मालूम है। मैं जानता हूँ कि लड़का नहीं लड़के का भाई एनआरआई है, लेकिन रब की मेहर रही तो बहुत जल्द अपना लल्लू लाल भी एनआरआई हो जाएगा। लल्लू लाल के साथ जा यार। बोली माफ कर देना। कोई गल नहीं जी, बस कनाडा जाके मैंने पूल नहीं जाना। फॉरगेट मी नॉट जी। खूबसूरत हो मेरी सोनी, मेरी सोनी है तू, मेरी सोनी है, मुझे माफ कर दिया। मैं तो सुधर गया, कम वक्त ये हाथ बाज नहीं आते, मैं क्या करूं? ले अपना हार ले। बिल्कुल नहीं सुधरे, तब तो सुधर जाओ। कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। तू बहुत बड़ा वो है। यमला